हाय एवरीवन आई होप आप सभी अपने स्टैटिक और करंट अफेयर पोर्शन का रिवीजन कर रहे होंगे तो आपने स्टैटिक में और करंट में बहुत कुछ पढ़ा होगा इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर टॉपिक्स की बात करेंगे एंड जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी मैगजीन्स देखा है विजन का इंसाइट का दृष्टि का शून्य का तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सब में कवर हैं और ये सारे टॉपिक्स साल भर न्यूज़ में रहे हैं तो जितना भी चीज़ आपने करंट अफेयर में कवर किया है उसको तो आप कवर करते रहो बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप याद से रिवाइज़ कर लेना और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सबसे पहले देखो सर्कुलर ट्रेडिंग जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो बेसिकली सर्कुलर ट्रेडिंग होता क्या है कुछ ट्रेडर्स गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं तो उसको सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं नॉ मिलट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट भी है तो मिलट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना क्रॉप की क्या कंडीशन है कौन से एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है एंड इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं आप सब कुछ देख लीजिएगा इसके बाद ई रूपी वर्सेस ई रूपी ये दोनों अलग अलग है आप इस चीज़ को ध्यान देना जो ई e रूपी है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है एंड इट इज़ सोवरेन ई रूपी क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताना इसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी वर्सेस डी डॉलराइजेशन ये टॉपिक भी साल काफ़ी न्यूज़ में रहा था और आप ये देख लेना कि कोई भी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी कब बोलते हैं क्या क्राइटेरिया होता है इसके बाद टेक्निकल रिसेशन क्या क्राइटेरिया होता है जनरली दो कैजिक्यूटिव क्वार्टर में जब डिक्लाइन होता है तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं नेक्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एन आई एम जेड इसके साथ आप एस सी जेड को भी देख लेना नॉन नेक्स्ट गिग इकॉनमी ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टी प्लस वन सेटलमेंट सी ए इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा तो सी से, से रिलेटेड जितनी भी चीज है टी प्लस वन सेटलमेंट एफ शॉर्ट सेलिंग आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में जानते थे तो उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था शॉर्ट सेलिंग नोस्तो एंड वोस्त्रो अकाउंट ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर प्राइजिंग आम लेंथ एग्रीमेंट जो बी बी के ऑफिस में रेट पड़ा था उस टाइम पर यह न्यूज़ में आया था इसको देख लेना फ्री फ्लोट क्या होता है नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर इन स्टॉक मार्केट इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करेगा एंड बीबीबी यूपीएससी में दो तीन बार पूछ चुका है तो एफएसआईबी के बारे में देख लेना आप इसके बाद पी जे नायक कमेटी नेक्स्ट एन एस विश्वनाथ कमेटी जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई है इसके बाद सुदर्शन सेन कमेटी नेक्स्ट काउंटर साइकिलिंग बफर कैपिटल इसकी बात बजट में की गई है एंड बजट में जितने भी स्कीम्स हैं जितने भी टर्म्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है नेक्स्ट फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है हर साल इंपॉर्टेंट यह रहता है नेक्स्ट जीएसटी रिलेटेड टॉपिक्स लाइक नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी को सी सी आई सब्ज्यूम करेगा इसको देखिएगा जी एस टी अपले ट्राइब्यूनल नेक्स्ट है स्कीम के बारे में मत्स्य संपदा योजना बजट के बारे में बात की गई थी पी एम विकास ये भी इंपॉर्टेंट है ई श्रम पोर्टल मिष्टी स्कीम पी एम विश्वकर्मा कौशल सम्मान इसकी बात भी बजट में की गई है उभरते सितारे फंड ये भी बजट में मैंशन है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या होता है देख लेना बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड गवर्नमेंट इसके थ्रू फाइव थाउजेंड करोड़ इन्फ्यूज़ करेगी नेक्स्ट ए टी वन बॉन्ड नेक्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो कि गिफ्ट सिटी आई एफ एस सी में ओपन किया गया है इसके बाद ग्रीन टैक्स देख लेना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार कॉम्पटिशन एक्ट को अमेंट किया गया है इसको देख लेना आप नाउ नेक्स्ट ब्लू बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड ये तीनों बॉन्ड इंपॉर्टेंट हैं इसके बाद ई एस जी फंडस ई एस जी मीन्स एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड नेक्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इसके बाद भी बजट में की गई थी नेक्स्ट विनफॉल टैक्स क्या होता है इसको देख लेना टर्म टाइप ऑफ डेफिसिट इंपॉर्टेंट है फिजिकल ड्रैग फ्रेंड शोरिंग क्या होता है इसको देख लीजिएगा आप मून लाइटनिंग देख लेना ये भी काफ़ी न्यूज़ में था इस बार लैब ग्रोन डायमंड ये भी बजट में मेंशन है नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्रिंक फ्लेशन क्या होता है स्क्रू फ्लेशन क्या होता देख है देख लीजिएगा आप कैन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है वर्टिकल फिजिकल इंबैलेंस नेक्स्ट फ्रंट रनिंग देन ब्लॉक डील उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ से बी ये भी न्यूज़ में था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यू एस ओ एफ नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 टेट टेपरिंग एंड ब्लैक सोन इवेंट इन स्टॉक मार्केट ये क्या था ब्लैक सोन इवेंट पूछ सकता है एज अ टर्म वर्ड एसोसिएशन में तो उसको देख लीजिएगा आप डिजिटल लैंडिंग क्या होता है ये आप देख लेना नेक्स्ट न्यू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेफिट को बनाया गया है ए आई एफ आई क्या होता है इसको आप देखना पी एम गतिशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन नेक्स्ट स्वेट इक्विटी क्या होता है इसको आप देखना नेक्स्ट टॉपिक इज इल्ड कर एन इल्ड इनवर्जन देखो ये टॉपिक आप देखने के लिए ना, अगर आपको समझ भी नहीं आएगा नॉर्मली तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेना एंड इसकी आप कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि यू जब इस टाइप के क्वेश्चन देती है तो थोड़ी कन्सेपचुअल देती है नेक्स्ट क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसको देखिएगा आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है कैसे इम्पैक्ट करता है लैंडिंग को बैंक को ये देखना आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इस बार बजट में इसकी बात की गई है पी एस सी एस इथेनॉल ब्लैंडिंग इसकी बात ही बजट में की गई है एंकर इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है पेमेंट एग्रीगेटर अकाउंट एग्रीगेटर इंपॉर्टेंट है फॉरेन बैंक रूल्स इन इंडिया इस बार क्रेडिट सुज की जो क्राइसिस आई है उसकी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन बैंक्स इन इंडिया नेक्स्ट कॉफी एक्ट नाइनटीन इसको स्क्रैप करने की बात हो रही है नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एम एंड एस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है एंड दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लेना नेक्स्ट वन इज मीका फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है डच डिजीज ये पहले इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था ये आप देख लेना क्या होता है आफ्टर डेट जोम्बिफ एंड एफ आर बी एम एक्ट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर जो इस पूरे साल न्यूज़ में रहे थे तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड इसके साथ जो आपका स्टैटिक सिलेबस है इकनॉमिक्स का उसको अच्छे से पढ़ लेना देखो आप इकोनॉमिक्स में स्टैटिक अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होगा क्योंकि जो इकनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो डूएबल होते हैं उसमें बहुत चीज़ें आपको याद नहीं करनी है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे तो पंद्रह क्वेश्चन भी आएगा उसमें से आप आराम से सात से आठ क्वेश्चन कर लोगे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो इकोनॉमिक्स में आपकी क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए आप अपना इस वक्त जो स्टैटिक चीज़ है जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करो और करंट अफेयर में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको आप देख लेना इसके साथ साथ जो भी आपने पी में पढ़ा होगा उनको रिवाइज़ कर लो एंड लास्टली अगर आप मुझे बोलोगे तो जो और भी सब्जेक्ट हैं लाइक एनवायरमेंट हो गया साइंस एंड टेक आई उसमें जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बनाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना इफ़ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर दैट लिस्ट